Hello everyone, good afternoon, how are you all? So just let me see that everything is working properly so that I can start off with the session. Okay, so hello Swati ji, Neel ji, Pooja ji, yes, so aap sab log? Fine, what about you? So before starting this particular session, aap log ko jaise pata hi hai ki Unacademy Plus pe jo hai aap log ka batch course already launch ho chuke hai. To jo batch courses launch hua hai, ye CTET paper 1 and paper 2 ke hisab se hai. और जिसमें से मैं आप लोग को जो है पेपर वन की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. तो मेरा पूरा फोकस आपके यहाँ पे आरसी पे रहने वाला है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. इसके आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस कराई जाए. पेडागॉजी ऑफ कोर्स, पेडागॉजी तो होनी होनी है, एंड साथ ही साथ ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के भी क्वेश्चन आते हैं. तो पर्टिकुलरली ऐसा तो नहीं है कि आपका पूरा फुल फ्लेज्ड ग्रामर आता है, लेकिन हाँ, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पहले से प्रिपेयर करके जाओ. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको कोई भी टॉपिक से उठा के दे दिया जाएगा क्वेश्चन. इट कैन बी हिस्ट्री का टॉपिक हो सकता है, बेसिक साइंस का टॉपिक हो सकता है, जीके का टॉपिक हो सकता है, सो कोई भी टॉपिक हो सकते हैं. तो संगम जी, प्रभात जी, ओके, सो यस, कोई भी टॉपिक हो सकता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग की रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो दैट्स वाई मेरा फोकस ये रहता है कि मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊं, पेडागॉजी भी कवर कराऊं, साथ ही साथ ग्रामर. तो जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, काम करिएगा, अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर प्लस टैब क्लिक करिएगा, ठीक है, वहाँ पर देखिएगा बैच कोर्सेज आ रहा होगा, मतलब स्टार्टिंग में दिख रहा होगा. तो एक जो बैच कोर्स पेपर वन का है, जिसमें आपको मेरा यही फोटो दिखेगा, ठीक है, आप उसको टिक करना और यू विल सी द होल करिकुलम, कैसे और कौन कौन से किस दिन टॉपिक होने हैं, कब तक आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, क्विज कब होगा उस कोर्स का, लाइक दैट. तो हर एक एक चीज़ आपको सामने दिख जाएगी, ठीक है. तो आपको यही करना होगा कि आप देख लीजिएगा, नहीं समझ आएगा आप मुझे अनअकैडमी की जो ऐप है उससे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है. और यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जस्ट दैट फॉर योर आपके फ़ायदे के लिए ही बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लें, ठीक है. जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग इसमें से पूछ लीजिएगा, देयर इज नो इशू. एंड रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, मैं आप लोग को दूसरे कोर्सेज भी बता दूँ. तो मेरा रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, ये कोर्स BSSSB सुपर टेट एंड KVS के लिए यूजफुल रहने वाला है. मेरा फोकस तीनों पे है, ठीक है. एंड मैथ्स का एक प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ्स की, ठीक है. प्रैक्टिस कोर्स मैथ्स का चल रहा है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही, आप मेरे ही कोर्सेज को देख सकते हो और रेफर कर सकते हो, नहीं, आप जो है काफ़ी कोर्सेज पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो आपको क्या करना है, बस सब्सक्रिप्शन लेना है एंड सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाएंगी. तो यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट्स मिलते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं. जैसे मान लो CDP है, हिंदी में पढ़नी है, हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं टीचर्स. अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी हो गया. यहाँ पे साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देने को मिलता है, हर संडे मॉक टेस्ट होता है सारे स्टूडेंट्स का. तो यू विल सी कि आपका कहाँ पर अंडरस्टैंड, कितना आप स्टैंड कर रहे हो, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ हफ्ते में, ठीक है. ये बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्री मॉक टेस्ट देकर देखना, तो एक बार ही आपको पता चल जाएगा कि कैसा इंटरफेस रहता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक दैट. एंड यू विल सी योर स्कोर ऑल्सो. एंड क्विजेज होते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ वन टाइम पेमेंट करने पर. और अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है लेने में और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, तो आप इस रेफर कोड को यूज़ करके 10% ऑफ पा सकते हो, ठीक है. कोई ये कंपल्शन नहीं है,
यहाँ तो सेशन आपको मिल ही रहे हैं, बट ये है कि वहाँ पे आपको एकदम फुल फ्लेश रोज रोज क्लासेस मिलेंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊंगी, आपका टेस्ट लूंगी, आपका डाउट सेशन होता है इसमें, ठीक है? तो आपका जो भी डाउट होगा मैं पर्टिकुलरली आपका डाउट क्लियर करूंगी। तो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से रहता है, यहाँ पे नहीं हो पाता वो चीज़। आपको यूट्यूब में जो भी सेशंस मिलेंगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि जो सेशंस रहते हैं हाफ एन आवर में क्या हो पाएगा। वहाँ पे क्या रहता है, आपका क्लास 2 आवर्स का रहता है, कभी क्लास 1 आवर का रहता है, कभी क्लास 90 मिनट्स का रहता है, 1.5 घंटे का क्लास रहता है। तो क्लासेस का जो वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, जितने भी सेशंस होते हैं, जैसे यही वाला बैच कोर्स है, सो मेरे 35 सेशंस होंगे। अब वो यूट्यूब में वैसा टाइप का मिलना इज़ नॉट यू नो पॉसिबल। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग सच में चाहते हो एग्ज़ाम क्लियर करना इतने समय में, तो आप बिना सोचे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है, यू विल सी द डिफरेंस फॉर श्योर। और रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं, अगर छूटा हुआ जो मेरा कोर्स रह गया है, जो आप लोग को नहीं देख पाओगे, 2-4 सेशंस है, तो रिकॉर्डेड देख लेना। और मैं आप लोग का जो भी कोर्स है वो इस तरह से डिज़ाइन करा कि पहला पेडोगॉजी करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद 4 सेशन तक, एंड देन 4 सेशन ग्रामर विच इंक्लूड्स RC ऑल्सो। तो RC इस पर भी मिलेगा आपको, यानी रीडिंग कॉम्बिनेशन पेडोगॉजी के टाइम भी एंड ग्रामर के टाइम पे भी। तो फोकस इस तरह से मैंने बनाया है। तो आई होप सबको अब समझ आ गया है। तो ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन को। तो आज का जो सेशन है, पहले तो मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछ लूँ, क्योंकि कल आप लोग का क्लास नहीं हुआ था, आज आप लोग का क्लास पूरा जो है मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है? तो ये लैंग्वेज स्किल पार्ट 4 है, एंड पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने जाने हैं राइटिंग स्किल को, ठीक है? लेकिन उससे पहले जो अभी तक से हमने पढ़ा है और लास्ट टाइम में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड मुझे थोड़े क्वेश्चन पूछने हैं, जस्ट टू सी आपको रिवाइज है या नहीं, आपने रिवाइज कराया, पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द राइज एंड फॉल ऑफ टोन इज वॉट वी कॉल एज, राइज जो होता है टोन का और जो फॉल होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोनंसिएशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन कहते हैं, या फिर इंटोनेशन कहते हैं। हेलो रश्मि जी, कैसे हो आप? हेलो कुमकुम जी, या आंसर हो जाएगा इंटोनेशन, एब्सोल्युटली राइट, इंटोनेशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन है, ये मैं पास ईयर करा रही हूँ, ठीक है? आपके एग्जाम्स में आया हुआ, एक साल में नहीं आया, हाँ डिफरेंट ईयर्स में आया, बट स्टिल सीटेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एंड इंटोनेशन में नॉट बी अ डैश टोन, इनमें से बताओ कौन सा इंटोनेशन टोन नहीं हो सकता है, नहीं बताना है आपको इनमें से कौन सा नहीं होगा। मे नॉट दिया हुआ है, मैंने आप लोग को टोन बताई थी, तो लाउड हो सकता है हाँ, लेकिन स्लाइडिंग टोन थोड़ी ना हो जाएगा, स्लाइड समझते हैं, स्लाइड इस तरह से, तो आपका आवाज का जो टोन है वो स्लाइड नहीं हो सकता है, राइज हो सकता है, फॉल हो सकता है, लाउड एक टोन है, लेकिन स्लाइडिंग कोई प्रकार का टोन नहीं होगा, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए भाई, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये ऑल्सो ये हम लोग ने भी डिस्कशन करा था, याद है? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
आंसर दो भाई जल्दी से। यस यस, सो 44 साउंड्स हैं इंग्लिश में, तो उनमें से जो साउंड आपके वाउल्स के हो जाएंगे एंड कॉन्सोनेंट के हो जाएंगे 20 एंड 24। ठीक, और आपके जो वाउल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोफ्थोंग्स जो कि कुल मिला के 12 होते हैं, और डिप्थोंग्स आपके जो होते हैं 8 होते हैं। एक होता है मोनोफ्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल्दो वी हैवंट डिस्कस्ड इट एज ऑफ नाउ, तो आई एम नॉट गोना जस्ट आस्क अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय, भाई अगर चाहती हैं टीचर कि लिसनिंग स्किल्स डेवलप करें बच्चों में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? स्पीकिंग टू देम कॉन्टिन्यूसली बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, भाई बच्चों से वो बातें करें, चाहे क्लासरूम में रहकर करें चाहे क्लासरूम के बाद मतलब बाहर करें। दूसरा है फोकस ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग विद अदर लैंग्वेज स्किल्स, आप सिर्फ फोकस किस पे करा रहे हो? लिसनिंग स्किल्स पे। आप दूसरी स्किल्स यानी कि स्पीकिंग हो गई, आपकी राइटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करा रहे हो, क्या ये ऐसा हो सकता है? सोचो। मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरी थिंग दे हैव पैसिवली, मतलब जो भी है बच्चों को बस सुनने का मौका दिया जा रहा है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। फोर्थ है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू वेराइटी ऑफ सोर्सेज, वो अलग अलग सोर्सेज को सुने, लोगों से बात करें और इंगेज करें लिसनिंग एक्टिविटीज में, कहीं ना कहीं दे आर जस्ट यू नो इन्वॉल्व करा रहे हो आप उनको। येस ऑफ कोर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेल, इसका आंसर है क्यों? क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, यहाँ पे बच्चों को वैरायटी ऑफ सोर्सेज है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बढ़ रहा है बच्चे का। आप बच्चे से कॉन्टिन्यूसली बोलो बट दैट डज नॉट मीन्स कि उसकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो डेवलप हो जाएंगी। दूसरा, आप यहाँ पे सिर्फ देखो ओनली वर्ड है इसलिए गलत हो गया, है ना, ओनली वर्ड था। एसोसिएटिंग विद द बोला गया है, फोकस ओनली ऑन विदाउट एसोसिएटिंग, ये तो गलत हो जाएगा ना। आप लोग को पता है कि जब भी आप बच्चे को लैंग्वेज स्किल्स सिखाएंगे तो इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनर में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अकेले में थोड़ी ना सिखा दोगी कि आप लिसनिंग करा रहे हो सिर्फ, तो लिसनिंग और स्पीकिंग एक साथ काम चलता है। सो इंटीग्रेटेड तरीके, इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाता है लैंग्वेज स्किल्स को, तो ये तो गलत हो गया। तो बच्चे को यहाँ पे आप पैसिवली सुनने को नहीं दोगे, बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहिए। पैसिव क्या हो जाएगा, मतलब ही जस्ट लिसनिंग टू वट एवर आई एम स्पीकिंग, अब मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ डजंट मैटर, बच्चा जो है बस वही सुन रहा है। आई एम नॉट गिविंग हिम अ चांस टू लिसन टू अदर यू नो सोर्सेज ऑल्सो, तो वेराइटी ऑफ सोर्सेज मिल रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन मिल रहा है, तो वेराइटी ऑफ सोर्सेज में जैसे टीचर बात कर रही है, टीचर ने मूवी दिखा दिया लाइक दैट, सीडी दिखा दिया लाइक दैट। चलिए भाई, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग बिटवीन द लाइंस एज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व्स व्हाट, तो पहला ऑप्शन है इन्फरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कॉन्टेक्चुअल एंड वर्बल क्लूज, दूसरा आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम्स, तीसरा अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स, फोर्थ गिविंग सफिशियंट स्पेस बिटवीन लाइंस। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होगा भैया आंसर इसका? रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो चीज नहीं कही गई है उसको हम क्या कहते हैं? आपको मैंने सिखाया हुआ है, एंड गाइस प्लीज मेक श्योर सब लोग लाइक कर देना सेशन को।
गाइज व्हाई यू गाइज आर नॉट टेलिंग मी द आंसर ऑफ दिस वन. अच्छा ओके मैं बता देती हूँ. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स होता है इन्फर करना, ठीक है. जो चीज़ नहीं दी होती है उसको हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इसको हम कहते हैं इन्फरेंस, ठीक है. ध्यान रखना इन्फरेंस कहा जाता है, इन्फर करना, जो चीज़ नहीं गिवन है उसको पढ़ना, ठीक है. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कहा जाता है इसको. आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल आइटम्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स. ये अनस्टेटेड फैक्ट्स होते हैं जो नहीं गिवन है, स्टेटेड नहीं होगा, अनस्टेटेड होता है इसकी जगह तो सही हो जाता है ऑप्शन. गिविंग सफिशियंट स्पेस नहीं कर बढ़ गया तो, ठीक है. चलिए भाई कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ओके राइटिंग स्किल्स तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइटिंग स्किल्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको. यहाँ तक सबको क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स. गाइज प्लीज़ टेल मी दैट वाई गाइज नो बडी इज रिप्लाइंग. कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी अ सिंगल कॉमेंट. ये गलत हो गया, नहीं पता था. अच्छा ओके ठीक है, अब कॉमेंट्स दिख रहे हैं आप लोग. गाइज जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आप लोग तब तक मुझे बताओ राइटिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है. एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. ओके सो आई एम बैक. या सो जरा मुझे बताइए राइटिंग स्किल्स का फ़ायदा क्या है. बच्चों को राइटिंग स्किल्स सिखाते हैं, एक तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये कैसी स्किल होती है, प्रोडक्टिव है या फिर रिसेप्टिव है, ये बताओ पहले तो. राइटिंग स्किल्स आपकी प्रोडक्टिव होती हैं या फिर आपकी दैट इज़ रिसेप्टिव होती हैं. क्विकली भाई सो दैट आगे बढ़ा जाए. वेल ये होती हैं आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स. यस प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, इसको हम एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं. क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ये राइटिंग स्किल्स सिखा रहे होते हो बच्चों को, तो उससे बच्चा जो अपने मन की बात को बोलेगा ना, ही इज एक्टिव, ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग द वर्ड्स. अब वो अपने मन से जो भी शब्द का इस्तेमाल करना चाहता है, जो बात बताना चाहता है ना, ही विल बी यूजिंग दैट. तो इसीलिए ये क्या बन जाता है, राइटिंग स्किल बन जाता है और ये प्रोडक्टिव स्किल हो जाता है. यस बफरिंग हो रही है क्या ज्यादा. नेटवर्क इशू आ रहा है गाइस, प्लीज मुझे बताओगे जरा एक बारी. गाइस थोड़ा जल्दी बता दो सो दैट आई कैन प्रोसीड. ओके सो राइटिंग स्किल्स बेसिकली क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्पीच का. देखो जो हम बोलते हैं उसको हम लिख रहे हैं. अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग लिखकर मुझे आंसर्स दे रहे हो. अब आप लोग बोल नहीं रहे हो,
बोलने वाला काम मैं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख कर दिखा रहे हो उस चीज़ों को। तो मैं कह सकती हूँ कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप लिख कर मुझे दिखा रहे हो जिस तरह से आप बोलना चाहती हो। यस, ये एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिसके ज़रिए जो ह्यूमंस हैं यानी हम सब लोग हैं अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि राइटिंग में क्या होता है, आप चीज़ों को दोबारा से रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका मटेरियल रखा रहता है, जो बोल दिया अनलेस इट्स नॉट रिकॉर्डेड वो उसके बाद आप दोबारा से नहीं यू नो रेफ़र कर सकते हो। तो राइटिंग काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों को क्या सिखाओगे, बोलना, लेकिन कैसे, लिख कर, ठीक है। तो बच्चा अपने मन की बात को, जो भी बात आप तक पहुँचानी है उसको लिख कर पहुँचाएगा। तो ये तो हमको समझ आ गया। अब भाई मुझे बच्चों की राइटिंग स्किल को डेवलप करना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, किन किन चीज़ों पर फोकस करना होगा, उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो मेन एम है बच्चों को सिखाने का वो क्या है, कि बच्चा अपनी बात को उस भाषा में कह सके। आज आप इंग्लिश सीखना आज सिखाने जा रहे हो बच्चों को, कल को आप खुद एक भाषा सीखना चाहते हो, जैसे मान लो फ्रेंच। अब आपने सोचा कि मुझे फ्रेंच भाषा सीखनी है, जर्मन सीखनी है, लाइक दैट। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप उस भाषा को सीखने का आपका मुद्दा क्या है, आपका फोकस क्या है। अल्टीमेटली जो आपको भाषा सिखाएगा, जो आपका ट्यूटर वहाँ पर होगा, उसका ये फोकस रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर भाषा में बात कर सको, कम्युनिकेट कर सको। तो यही चीज़ मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी कि मैं अपने क्लास से बच्चों को कम्युनिकेट करा सकूं उस पर्टिकुलर टारगेट लैंग्वेज में। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश को लैंग्वेज टू भी कहा जाता है, L2, टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आप बच्चों को क्या करोगे, टारगेट लैंग्वेज में बात करना सिखाओगे और बच्चा जो है अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को राइटिंग में रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, लिख कर रिप्रेजेंट कर सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप बच्चों को इस तरह से इंग्लिश सिखाओगे कि बच्चा आंसर्स कर सके या कोई टास्क आप दो जैसे तो उसको कंप्लीट कर सके, और अंडरस्टैंड ये कराओगे कि बच्चा कैसे मेमोराइज कर सके। भाई जब लिखता है तो वो क्या करेगा, उसे ग्रामर के रूल्स आने चाहिए, उसका जो क्लैरिटी है माइंड की बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वो सारे चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी स्किल्स है, जो कला है, जो मुझे बच्चों को सिखानी है। आज हमको ये चीज़ें बहुत आसान लगती है, लेकिन जब हमने स्टार्ट करा था हम सबके लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था। तो याद करो स्कूल टाइम में हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो लिखा था माई बेस्ट फ्रेंड, पहला टॉपिक ही टीचर ने हम लोग को ऐसा दिया था माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, मतलब फर्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास तो नहीं रहा होगा ये वाला, लेकिन फिर भी ऐसा हम लोग को लिखवाया जाता था, माई फैमिली। यस, माई फैमिली जो है आपका पहला हो सकता है, ठीक है, माई फैमिली पे लिखवाया जाए। बच्चे को और कोई तो पता नहीं होता है, घर का ही पता होता है तो घर के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो 5 लाइन लिख कर दिखाओ तो बच्चा अपने घर वालों के बारे में बताएगा थोड़ा सा, माई पेट, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक दैट। ये सब हमारे बच्चों को टॉपिक स्कूल में कराए जाते थे, ठीक है, याद करो स्कूल में, आपने भी करा, मैंने भी करा है। तो ये क्या होता था, हम लोग इस पर 5 या 6 लाइन लिखते थे, दैट्स इट। यहाँ से हमारी जो राइटिंग स्किल की सीखने की कला थी वो स्टार्ट हुई थी बेसिकली। तो हम बच्चों को स्कूल में ये सब सिखाते हैं, फिर ग्रेजुअली थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो फिर होली दिवाली का ऐसे देते हैं लिखने को। तो ये जो 5 सेंटेंसेस होते थे आज वो ऐसे में बदल जाते हैं। जब बच्चा और बड़ी क्लास में आता है, जैसे मान लो क्लास 10th और 12th में आ गया, तो वो पर्टिकुलर आर्टिकल लिख सकता है उसके ऊपर, एक पूरी 200 से 250 शब्दों का प्रयोग करके पूरा पैसेज लिख सकता है। तो आप देख रहे हो कि ये स्किल धीरे धीरे ही डेवलप हुई थी, एकदम से तो नहीं होगी। तो यही कला मुझे बच्चों को सिखानी है, वो कैसे सिखानी है, इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो आप कोई भी तरीका का इस्तेमाल कर सकती हो। देखो, एक तो सिखाना इज टोटली डिफरेंट, लेकिन इसके साथ साथ सब स्किल्स भी होती हैं। सब स्किल्स यानी आपकी माइक्रो स्किल्स आप कह सकते हो, जिसमें आप शब्दों का बच्चों को क्या कहोगे कि बच्चा जो है जो भी शब्द का प्रयोग करे वो एकदम स्पष्ट तरह से करे। अगर बच्चा यहाँ पे जैसे मान लो मेक लिख रहा है, ठीक है, मेक ऑफ लिख रहा है या मेड फ्रॉम लिख रहा है, तो इसका प्रयोग सही तरह से करें, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है अवेल ऑफ, है ना। अब यहाँ पे अगर बच्चा सिर्फ अवेल लिख रहा है, अवेल बाय लिख रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है, ये सिखाना है कि बच्चा शब्दों को करेक्ट तरह से लिखे, ठीक है। उसके साथ साथ उसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अचीव लिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अचीव का स्पेलिंग कौन सा सही है। आप लोग मुझे बताओ कौन सा स्पेलिंग सही है अचीव का, ए या फिर बी।
जल्दी से बताओ भाई कौन सा स्पेलिंग सही हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी से बता दो तो फिर आगे बढ़ा जाए ना, क्योंकि ऐसे तो यस यस एब्सोल्युटली राइट, फर्स्ट वाला स्पेलिंग सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बच्चों को शब्दों को सही तरह से यूज़ कराना सिखाओगे कि भाई जो भी शब्दों का इस्तेमाल करें करेक्ट तरह से करें, टेंस का सही प्रयोग करें, जहाँ जहाँ जो सब्जेक्ट है उसको कैपिटल लेटर में लिखें, वोकैबुलरी सही इस्तेमाल करें, स्टाइल एकदम अप्रोप्रिएट रखें, यानी अगर फॉर्मल लिख रहे हैं तो फॉर्मल वाले वर्ड्स इस्तेमाल करें, अगर इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल तरह से लिखें, सपोर्टिंग आइडियाज से कनेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी कला जो है मुझे सिखानी है, ग्रेजुअली तो नहीं आएगी, समय लगेगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप समय लगाओ, बच्चों को काफ़ी चीज़ें कराओ, प्रैक्टिस कराओ, जिससे कि बच्चा जो आगे बढ़ सके, ठीक है, और इस सारी चीज़ों को समझ सके। तो भाई राइटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो राइटिंग में कुछ करेक्टरिस्टिक्स है उसको देखते हैं। आपको बच्चों को हर एक जितने भी लेटर्स होते हैं A to Z उसमें डिस्टिंक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो किस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लो सी कहाँ लिखना है, तो सी ऐसे होता है लेकिन बच्चा सी ऐसे बनाता है, राइट। तो ऐसे में मुझे बच्चों को बताना है कि हर एक एक लेटर का करेक्टरिस्टिक जो फॉर्म होता है अलग होता है। तो कुछ बच्चे जो हैं क्या करते हैं, ए ऐसे होगा, वो लोग ए इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये रॉन्ग हो गया। तो आपको बच्चों को सिखाना है कि किस तरह से आप जो हैं लेटर्स को लिखोगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्टिव जो होते हैं, क्योंकि हर एक लेटर अलग है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि बच्चा इस चीज़ के डिफरेंस को समझे और उस पैटर्न को फॉलो करे। राइटिंग जो है बच्चों की लेजिबल होनी चाहिए, यानी कि एकदम साफ स्पष्ट तरह से लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे कि ऐसा बच्चा यहाँ पे लिख रहा है, अब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब ये तरह की राइटिंग अलाउड नहीं होती है। ऑफकोर्स आपको समझ ही नहीं आ रही है ना, बच्चे को समझ आएगा बाद में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जो है लेजिबल राइटिंग का इस्तेमाल करे क्लासरूम में, और एकदम ऐसी राइटिंग लिखे कि भाई देखने में समझ आओ, कोई क्रिएशन मतलब कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का, ठीक है। और ये साथ ही साथ उस बच्चे को पता होना चाहिए कैसे लेटर को फॉर्म करना है। तो जैसे ए लिखा है, फिर बी लिखा है, सी लिखा है, तो बच्चों को याद करो स्कूल में कर्सिव राइटिंग कराई जाती है, याद है स्कूल में बच्चों को कर्सिव राइटिंग की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। स्कूल में जैसे मान लो समय हॉलीडे चल रहा है बच्चों का, चल तो नहीं रहा है लेकिन मान लो अगर चल रहा होता है इस समय, तो बच्चों को क्या दिया जाता, राइटिंग दिया जाता कर्सिव राइटिंग लिखने को। तो बच्चा लेटर कैसे फॉर्म कर रहा है तो ये इसी के थ्रू होगा। लाइन्स के बीच में लिखना कैसे सिखाया जाता था हम लोग को, कि जो दो रेड लाइन्स हैं इनके बीच में लिखना है लाइक दैट, जैसे ये ए है बी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी है, जहाँ जहाँ स्लैंट होना है वहाँ वहाँ सिखाना है, जहाँ पे अलाइनमेंट सही होना चाहिए, कहाँ भी चीज़ें इंक्लूड करेंगे लेजिबल राइटिंग को, एकदम साफ सुथरी तरह से बच्चों को लिखना सिखाना है। बच्चा जो है यूनिफॉर्म तरह से लिखे, या तो वो इस तरह से लिख रहा है जैसे मान लो कि स्लैंटिंग में लिख रहा है, ठीक है, अब इस तरह से लिख रहा है स्लैंटिंग लाइन्स है, अब वो ऐसे नहीं कि वो फिर से ऐसे लिखने लगे रिटन ईदर लाइक दिस, तो ये जो तरीका है ये गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर वो इस तरह से लिखा है तो पूरे पैसेज को वैसे ही लिखे, अगर इस तरह से लिख रहा है तो ऐसे लिखे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में बच्चों को सिखानी है, कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है और कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए लेटर्स का। अब ऐसा नहीं कि बच्चा जो है बिल्कुल द बॉय, अब बॉय को बच्चा ऐसे लिख रहा है तो ये गलत हो गया। अब ये बच्चों को आपको सिखाना है कि इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, जो जैसे निमोनिक्स होते हैं, जैसे एक्रोनिम्स हो गए, ठीक है, एक्रोनिम्स यानी कि जैसे कोई भी चीज़ का फुल फॉर्म को हम शॉर्ट में लिखते हैं, अगर वो लिखना है हमको तो हम ये जो है सारी चीज़ों को बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये कैपिटल में आएगा, ना कि एक सिंपल शब्द बॉय,
तो अपनी मर्जी से हम नहीं लिख सकते। आज हमको आता है वो कैसे आता है बच्चों को, हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया था, तो वही चीज़ हमें आगे कर बच्चों को सिखानी है। तो जो साइज़ होता है ना लेटर्स का, वो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए ना ही इतना छोटा होना चाहिए। एक प्रॉपर फॉन्ट होता है, उसको मेनटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ मार्जिन को मेंटेन करना चाहिए, ये नहीं कि बच्चा यहाँ पे जो मार्जिन उसके बाहर लिखना चालू कर दे। तो ये सारे कुछ एस्पेक्ट है जो आपको क्लास में एकदम नोटिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोहेरेंस एंड कोहेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। देखो कोहेरेशन जो होता है, कोहेरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छी राइटिंग के लिए। ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखो जब भी आप कोहेरेशन की बात करते हो, जो क्लैरिटी होती है और जो रिलेटेडनेस होता है वो बहुत मायने रखता है। अभी भी आपको सब पोल्यूशन का टॉपिक है, मैंने सबसे पहले बताया भाई टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या हैं, क्या क्या दिक्कत हो रही है। फिर सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। और थर्ड पैराग्राफ में मैंने कंक्लूजन कहा कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे सुधारा जा सकता है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, लाइक दैट, ये कंक्लूजन मैंने दे दिया। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे जो मैंने पोल्यूशन टॉपिक था पहला पैराग्राफ में भी मैंने इंट्रो कैसे दिया, पोल्यूशन के ऊपर दिया। मैंने प्रॉब्लम्स किसके ऊपर बताई, पोल्यूशन के ऊपर बताई। कंक्लूजन भी किसका दिया, पोल्यूशन का दिया। तो कहीं ना कहीं मैंने तीन पैराग्राफ लिखे लेकिन तीनों में क्लैरिटी थी, क्या पोल्यूशन, पोल्यूशन से रिलेटेड था। मैंने यहाँ पे हर चीज़ रिलेट करते हुए लिखी, पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा, पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, गवर्नमेंट उस पर क्या करी। कहीं ना कहीं मैं टॉपिक पे ही स्थित रही अपने, मैंने टॉपिक का जो है चेंज नहीं करा। तो ये जो है हम कह सकते हैं लॉजिकली सीक्वेंस है। यहाँ पे जो भी मैंने आपने लिखा टॉपिक में, आप कह सकते हो कि ये सब क्या है, लॉजिकल है, लॉजिक के हिसाब से बढ़ रहा है। तो यस, इसको हम कोहेरेंस कहते हैं, ठीक है, कोहेरेंस या कोहेशन कह सकते हो। अब इसको बढ़ाना कैसे, भाई आप इंट्रो में आपने एक लाइन लिखी फिर फुल स्टॉप लगाया, फिर एक लाइन लिखी फिर फुल स्टॉप लगाया, तो आप ये सारे शब्दों को देखते हो ना। जैसे मान लो कोई पैसेज रीड करते हो तो ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आफ्टर वर्ड्स, ऑल्सो, इसके कारणवश, तो एज अ रिजल्ट, फर्दर मोर, आगे, फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं ये शब्द आपके सेंटेंस को, आपके जो पैसेज उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, लिंक को मेंटेन करते रहते हैं। जैसे मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ाया है ना, तो मैं एग्जाम्पल बीच बीच में क्यों देती हूँ, जिससे कि मेरा जो भी मैं कॉन्टेक्स्ट कह रही हूँ, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा रही हूँ, फिर उसी बात को मैं आगे लेकर जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक लॉजिक मेंटेन है। वन के बाद टू ही आ रहा है, यहाँ पे टू के बाद थ्री ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि वन के बाद डायरेक्ट जंप करके दस आ गया। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स एग्जाम्पल, ये इंडिकेट कर रहे हैं कंटिन्यूटी को, कि कॉन्टिन्यूस रहे सेंटेंस और लिंक कर सके। तो एक लिंक क्रिएट हो रहा है, जो भी अलग अलग पैराग्राफ दिए गए हैं लेकिन फिर भी एक शब्द है पोल्यूशन, उसी से लिंक कर रही है सारी बातें। तो इसको हम कोहेरेंस या कोहेशन कहेंगे। और एक अच्छी राइटिंग की जो कला है वो क्या है, हमेशा कोहेरेंट रहना, एक टॉपिक में स्थित रहना, टॉपिक के बियॉन्ड ना जाना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। प्लीज बता दो भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एक शब्द है जो कि राइटिंग से रिलेटेड है, राइटिंग, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है किस चीज का। जैसे मान लो आपने कोई वर्ड देखा, कोई सेंटेंस देखा, उसके बाद अपनी आप कॉपी में क्या करो, जैसे मान लो यहीं पे आप नोट्स बना रहे हो उसको देखकर, तो किस प्रकार से नोट्स बना रहे हो, क्या सेम सेम शब्द को लिख रहे हो, नहीं, आप छोटे छोटे में कुछ अलग से अपने शब्द का प्रयोग करके इजी लैंग्वेज में और लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है फेमिलियर शब्द से सीख कर कोई अपने वर्ड्स को लगा कर लिखता है, उसे हम बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन। कुछ नहीं, देख कर लिखने वाला सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज है, इसमें बच्चा स्पेलिंग भी ऑब्जर्व करके लिखता है, तो बेसिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राइटिंग। अगर जैसे मान लो आज मैंने आपको टॉपिक दिया पोल्यूशन के ऊपर लिखने को, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, पोल्यूशन। अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया पोल्यूशन का, तो सबसे पहले आप उसके बारे में सोचोगे, जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई भी टॉपिक दूंगी उसके बारे में सोचोगे, तो जो सोचने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी सोचना, सोचना, थिंकिंग को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। फिर आप नोट्स बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, ड्राफ्ट लिखोगे, मतलब ऐसा जो अभी आप फिनिश नहीं करा, हो सकता है आगे चेंज कर दो, फिर एडिट करोगे,
ठीक है, लिखना, लिखा हुआ चीज़ को आप एडिट कर सकते हो। तो याद रखना, राइटिंग के जो वर्ड्स हो जाएंगे, जैसे करना एडिट हो गया, आप बोली चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हो, लिखी हुई चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हो, मतलब रीड करते हो, लेकिन लिखते के दौरान, क्योंकि आप लिख रहे हो ना, तो आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैसेज यहाँ पे आप लोग भेजते हो, उसके बाद क्या करते हो, एडिट कर देते हो या डिलीट कर देते हो मैसेज, डायरेक्ट लिख कर कभी दोबारा आता है, तो ये एडिट हो रहा है। ड्राफ्ट रख सकते हो, है ना, हमारे फोन मैसेज को हम ड्राफ्ट कर देते हैं, भेजते नहीं है, लिख कर रख देते हैं। ठीक, उसके बाद भेजने से पहले आप एक बार ही चेक करते हो, तो उसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। देख लेना कि भाई वो मिस्टेक तो नहीं करा, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ करा तो नहीं। ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि राइटिंग से रिलेटेड होंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, राइटिंग से रिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ प्रोसेसेस पे आ रहे हैं, ठीक है, कुछ अप्रोचेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अप्रोचेस, अगर आपको बच्चों को सिखाना है इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स, तो कुछ अप्रोचेस हैं जिसका आप क्लास में इस्तेमाल कर सकते हो। तो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं उनको देखते हैं, ज़्यादा नहीं मैंने लिया है, जो इम्पोर्टेंट वन से उन्हीं पे डिस्कशन कर रही हूँ मैं। पहले यहाँ तक बता दो सबको क्लियर है, तो भी आगे बढ़ा जाए। ओके, सी प्रोसेस राइटिंग, ये कैसा अप्रोच होता है जिसमें टीचर जो है राइट करता है। ठीक है, राइटिंग ऐसा जिसमें होता है टीचर अलाउ करता है और क्या करता है बच्चों को, कि वो प्रोड्यूस करे कोई भी टेक्स्ट को अपने आप। तो यहाँ पे टीचर बता है, चांस देता है बच्चे को कि बच्चा लिखे किसी टॉपिक पे, उसके लिए सोचे और रिवाइज करे कि क्या लिख सकते हैं, और लिखा जो है उसको डिलीट करके, मतलब काट के या इरेज करके दोबारा से लिख सके। उसके बाद टीचर उस पर क्या करता है, फीडबैक देता है कि आपने जो भी लिखा है सही लिखा है नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोसेस चालू है, मतलब एक स्टेप करा बच्चे ने, पहले लिखा, फिर उसके बाद उसने उस पर सोचा, उसके बाद उसको जो मिस्टेक उसके अपने हिसाब से लगी उसने चेक करा, उसके बाद आपको दिखाया। अब आपने चेक करा कि भाई यहाँ पे ऐसी मिस्टेक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये सिंपल प्रोसीजर को हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, एक होता है प्री राइटिंग, पोस्ट राइटिंग, ठीक है, और वही वाइल राइटिंग एंड देन पोस्ट राइटिंग। तो प्री राइटिंग में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो सोचना, आपको याद करो स्कूल में जब पैसेज दिया जाता था आर्टिकल लिखने को या फिर स्पीच लिखने को दी जाती थी, आप सोचते थे उसके बारे में। ऐसा तो था नहीं कि टॉपिक आया तुरंत लिखना चालू कर देते थे, आप सोचते थे कि एक सेंटेंस कहाँ से चालू करें, पोल्यूशन वर्ड से चालू करें या कोई कोट लिखें, या तो इंस्टेंसेस बताएं कि ये सारी की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कारण क्या, पोल्यूशन क्या। बहुत अलग अलग तरह से आप टॉपिक को शुरुआत कर सकते हो, इज़न्ट इट। आप या तो पोल्यूशन के शुरुआत कर सकते हो कि भाई पोल्यूशन ऐसा ऐसा है, प्रॉब्लम दे रहा है, या तो आप कोई एग्जांपल देकर शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप कोई कोट लिखकर शुरुआत कर सकते हो। तो ये जो सोचना कि मैं शुरुआत कैसे करूँ, इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहेंगे। फिर आप सोचोगे कि मैं पैराग्राफ्स कैसे लिखूंगा, पहले आपने सोचा इंट्रो दे दें, फिर आपने सोचा प्रॉब्लम दे दी, तो कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग, आपका प्लानिंग हो जाएगा। फिर आपने ऑर्गेनाइज करा कि मैं इंट्रोडक्शन में भी क्या क्या लिखूँ, टाइप्स बताऊँ या नहीं बताऊँ, अगर टाइप्स बता रहा हूँ तो एग्जाम्पल इसके क्या क्या दूँ, लाइक दैट। फिर उसके बाद उनमें से आप सिलेक्ट कर लोगे आइडियाज़ को, ठीक है। इतना सब सोचोगे उसमें से एक ही चीज़ को तो फॉलो करोगे, तो ये जो प्रोसेस है ये आपका प्री राइटिंग हो जाएगा, ठीक है, कि आप क्या क्या लिखने वाले हो। फिर राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट मीन्स आपने अपने आइडियाज़ को पेपर में लिख दिया है, ड्राफ्ट मतलब लिख चुके हो तरीके से। आप उसके बाद देखोगे कि यार मैंने सही तरह से लिखा है, क्या सही आया है, या कोई चेंज करने का ज़रूरत है इसमें, तो उसके हिसाब से आप चेंज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिवाइज करना, भाई जो भी आपने लिखा है अब आप देखोगे कि इसको रिविजन करके देख लें सही लिखा है गड़बड़ लिखा है। अगर मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इरेज करके स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ये लाइन आखिरी में आनी चाहिए तो आप इरेज करके वो लाइन को आखिरी में लिख सकते हो। फिर वही चीज़ को आप क्या करोगे, एडिट करोगे। एडिट मतलब कि पहले तो आपने चेक करा, अब चेंज करने को हम एडिट कहेंगे, है ना। जैसे मान लो एडिटिंग होता है, आप लोग फोटो जैसे अपलोड करते हो, हम एडिट करते हैं। ऐसा नहीं कि फोटो हम दोबारा से खींच रहे हैं, जो खींची हुई फोटो उसको पहले हमने देखा कहाँ कहाँ जो है हमें चेंजेस करने हैं। जैसे मान लो बैकग्राउंड को ब्लर करना, तो ये मैंने चीज को चेंज करने के लिए मैंने सोच लिया। अब मैं जब उस पर काम कर रही हूँ तो उसको एडिटिंग कहा जाएगा। तो वैसे ही आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एक एक एरर को हटा रहे हो। फिर अल्टीमेटली आप क्या करोगे, पब्लिश कर दोगे। ऐसा नहीं कि आप पब्लिशर के पास जा रहे हो, किताब पब्लिश हो रही, नथिंग लाइक दैट। इस तरीके से मतलब आपने फाइनल कॉपी अपनी राइटिंग की लिख ली है, अब आप जो है दिखाने के लिए रेडी हैं, दैट्स इट। ठीक है,
ये अप्रोच मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, दैट वॉज योर प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच ठीक है, प्रोसेस राइटिंग होता है, उसमें ब्रेन स्टोरिंग आ जाएगा, एडिटिंग, रिवाइजिंग सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं ये प्रोडक्ट अप्रोच है। प्रोडक्ट मतलब जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है ना, ये पेन क्या है, प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है भाई, बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक चाहिए होगा, ठीक है, कंपनी ने बनाया होगा इसको, इसके अंदर जो है रिफिल तो नहीं है, पर ये जो निब है ना, ये पॉइंट है, उसको बनाया होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट अब क्या है मेरे हाथ में, ये फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक वैसे ही ये प्रोडक्ट अप्रोच का कहना है, ये अप्रोच फोकस करता है फिनिश प्रोडक्ट पे। राइटिंग जो है कैसे माना जाएगा, एक फिनिश प्रोडक्ट है जो कि बच्चे द्वारा कंप्लीट करा जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा पूरा काम जब करके दिखा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, ये नहीं सोचा जा रहा है कि वो कैसे सोच रहा है, बीच में चेक करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ नहीं कह रहा है। प्रोडक्ट मीन्स एकदम फाइनल रिजल्ट क्या दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर यहाँ पे इन्वॉल्व कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि टीचर चाहता है कि पूरा काम करके एक बार ही में दिखा दो लाइक दैट। तो ऐसे बच्चा जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा बीच में, उसको नई चीज़ें समझ आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, बच्चे एक स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा था, यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टेप करे ठीक है, जैसे भी करे, लेकिन एंड प्रोडक्ट यानी पूरा काम कंप्लीट एक साथ चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, टीचर एक तरीके से इवैल्यूएटर है, फैसिलिटेटर नहीं है, जो कि NCEP 2005 में कहा गया है कि टीचर को बच्चों को बच्चों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए इन बिटवीन ऑल्सो जब पढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बस फोकस किस पे, कि काम ला कर दे दो, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच के ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इतना अच्छा अप्रोच नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल टू फ्री अप्रोच। कंट्रोल टू फ्री अप्रोच क्या होता है, आप देख सकते हो नाम क्या है, कंट्रोल, उसके बाद मैंने फ्री अप्रोच दे दिया। तो सबसे पहले बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको एक्सरसाइज देंगे, फिर हम बच्चों को मौका देंगे कि वो पैराग्राफ्स को करें। जैसे मान लो मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इयान दा है, ठीक है, मैंने बच्चों को इयान दा सिखाया, अब मैंने एक सेंटेंस दिया बच्चों को, जिसमें एक सेंटेंस देखा था, उसके बाद देखा था डैश एप्पल, तो बच्चे को यहाँ पे क्या है कंट्रोल्ड है, FIB के फॉर्म पे मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो कंट्रोल सेटिंग में मैंने बच्चों को प्रैक्टिस कराई, तो बच्चा यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस पढ़ेगा, देखेगा वाउल है या नहीं है, उसके बाद वो उसके आगे आर्टिकल लगा देगा। तो ये कंट्रोल अप्रोच था, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस दिए, वो बच्चा उसको कर रहा है, तो यहाँ पे मिस्टेक करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होगा। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगेगा, नई क्लास में जाएगा, थोड़ा सा उसका जैसे मान लो लेवल है इंक्रीज होगा, तो मैं बच्चों को अब ये जो तरीका था कराने का, इस तरह से ना करा के बच्चों को अब मैं लिखने का मौका दूंगी कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो एक्सप्रेस को आइडियाज़ को करेंगे जैसे कि, तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, अपने शब्दों में लिखेगा, और जब अपने शब्दों में लिखेगा तो उसको ध्यान रहेगा कि आर्टिकल कब लगाना है। जैसे कि अगर लिखना है द डॉग, तो उसे पता है कि डॉग के आगे द लगाएंगे, ठीक है, अ डॉग लगाना है तो उसे पता है कि अ डॉग लगाएंगे लाइक दैट। तो ऐसे में बच्चा जो है, जो अभी तक से मैं उसको ऐसे प्रैक्टिस करा रही थी, जैसे मान लो डैश ऑरेंज, ये सब मैं प्रैक्टिस करा रही थी, आज बच्चा इतना एफिशिएंट हो गया है कि अब वो खुद से जब लिखेगा तो उसके ध्यान में ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये कंट्रोल टू फ्री अप्रोच हो गया। नेक्स्ट है फ्री राइटिंग अप्रोच। इसमें क्या होता है, लर्नर्स जो है अपनी फ्लुएंसी और कंटेंट पहले रखते हैं और सोचते ज़्यादा नहीं है, तो अब जो भी अब बच्चा अपना आइडियाज़ होता है ग्रामेटिक, जो भी मतलब आप कह सकते हो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के हिसाब से, ग्रामर को दिमाग में रख के अपने हिसाब से चीज़ों को लिखता है। ठीक है, तो वही चीज़ था, पहले कंट्रोल में प्रैक्टिस कराई गई, भाई खुद सोचो ना, स्कूल में हम लोग को कैसे कराया जाता था, पहले हम लोग को नाउन सिखाया गया, फिर बोला जाता था इनमें से अंडरलाइन करो नाउन कौन सा है, फिर इनमें से अंडरलाइन करो कि एडजेक्टिव कौन सा है, फिर थोड़ी बड़ी क्लास में हम एडजेक्टिव खुद इस्तेमाल करने लगे, मैंने कहा शी इज़ ब्यूटिफुल, अब मैंने खुद से इस्तेमाल करा। ठीक है, तो ग्रेजुअली ऐसे करते करते वो कंट्रोल से फ्री पहुंचाया जाता है, मतलब कंट्रोल राइटिंग कराई गई, उसके बाद फ्री राइटिंग कराने का मौका दिया जाता है, बच्चा अपने शब्दों का प्रयोग करता है इसे में। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ना क्लियर है ना, चलिए भाई अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगी गाइस, ये आपका 1 आवर का सेशन था, एंड काफ़ी लोग को लग रहा होगा कि इतना सेशन बड़ा क्यों है, क्योंकि आपका 1 आवर का सेशन था, कल नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई। सो भाई डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जब आप डिस्क्राइब करते हो, जैसे लोग को डिस्क्राइब करना, ठीक है, आपको इवेंट है, जैसे यहाँ पे COVID-19 चल रहा है, ये इवेंट है इवेंट आज तो वो बढ़िया इवेंट नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग इतने ज़्यादा सफर कर रहे हैं, तो आप इसमें एक्सप्रेस करोगे जब अपनी बात को, तो यू आर लाइक डिस्क्राइबिंग लोग कैसे गुजर रहे हैं प्रॉब्लम से, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट अ सेकेंड,
या इंस्टीट्यूशन हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो जाएगी। आप डिस्क्राइब कर रहे हो, नरेटिव हो जाएगी जब आप मतलब जो भी इवेंट होता है सीक्वेंस के हिसाब से बता रहे हो, जैसे कि 1905 में ऐसा हुआ, 1910 में ऐसा हुआ, 1950 में ऐसा हुआ, 2000 में ऐसा हुआ, लाइक दैट। तो नरेटिव हो जाएगा, सीक्वेंस के हिसाब से बता रहे हो जो जो इवेंट्स कब कब हुए और उसके कारण क्या क्या हुआ, तो आप नरेट कर रहे हो। ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए गाइस, बहुत अच्छे से। मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पे समझा रही हूँ आज। एक्सपोजिटरी क्या है, आप एक्सपोज करोगे किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट के बेस पे, जैसे मान लो डेफिनेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया किसी चीज़ का, तो यू आर लाइक एक्सपोजिंग, यू मीन एक्सपोजर टू द चाइल्ड, एक्सपोजिटरी हो जाएगा। आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है, आप किसी का व्यू पॉइंट लोगे और सपोर्ट करोगे या नहीं सपोर्ट। देखा होगा कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें पहले तो बहुत अच्छाई कर रहा होता है जो भी ऑथर होता है, उसके बाद वो बुराई करना चालू कर देता है। ऐसा नहीं बहुत बुरा है, बैड है, नहीं, वो कहेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इफ द पीपल आर सेइंग लाइक दिस, तो उसके इसका इस पर देखो ऑपोजिट लाइन कहेंगे वो, ठीक है, कहेंगे देखो ऐसा हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, फिर भी लोग ऐसा मान रहे हैं उनकी बात को, लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी कर सकता नहीं भी सपोर्ट कर सकता, तो उसको आर्ग्यूमेंटेटिव कहेंगे। रिफ्लेक्टिव क्या कहता है, इसका मतलब है कि आप इशूज पे देखो, इवेंट्स पे देखो और देखो कि क्या सही है या गलत है, और अब ये देखो कि आपका जो ओपिनियन है क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम रिफ्लेक्टिव कहेंगे। जैसे हम लोग नहीं अपने कुछ डिसीजंस होते हैं लाइफ के, सोचते हैं यार सही करा था नहीं करा था, तो रेट्रोस्पेक्ट करना या रिफ्लेक्टिव करना, रिफ्लेक्शन देखना, लाइक एज इफ क्या सही है या गलत है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पर्सुएटिव। पर्सुएसिव क्या होता है, यहाँ पे हम रीडर्स को इतना ज़्यादा लिखेंगे, इतनी तारीफ कर देंगे किसी भी चीज़ की कि जो रीडर वो अल्टीमेटली वो मानने लगेगा कि नहीं यार ऐसा ही सही है। तो पर्सुएट करना, भाई जैसे आपने कोई पैसेज लिखा, आप चाहते हो कि लोग आपकी बात पे अग्री करें, अब आप क्या करोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोगे, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एग्जाम्पल्स देकर कहोगे यार ये जो चीज़ है, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि जैसे ये पर्टिकुलर ब्रांड है इसका सामान नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, अब आप यहाँ पे चाहते हो कि आपके रीडर्स जो हैं जैसे मान लो वो भी उस ब्रांड को इस्तेमाल ना करें, तो आप क्या लिखोगे कि ये ब्रांड का जो प्रोडक्ट है इस तरह जगह से आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रिसाइकिल होता है, आप एकदम इंस्टेंसेस बताओगे वो सही है या गलत है, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो, तो आप यहाँ पे रीडर्स का जो आपका कंटेंट को पढ़ेंगे, आप उनका माइंड को कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट को चेंज कर रहे हो, उनका जो ट्रस्ट था उस ब्रांड पे बिल्ड, आप आज उस ट्रस्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे ब्रांड को, कैन यू ट्रस्ट दैट, कैन यू ट्रस्ट दिस, लाइक दैट लिखा होगा, कभी ऐसे पैसेज पढ़ना वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पर्सुएसिव। इम्परेटिव क्या होता है, यहाँ पे राइटर का पर्सपेक्टिव क्या इशू पर है उसको कहना हम इम्परेटिव कहते हैं, ठीक है, कि भाई राइटर को लग रहा है सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो इसको हम इम्परेटिव कहते हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए भाई अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज आपके एग्जाम में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैंने कहा सारे एक बार ही समझा देती हूँ। पर्सनल राइटिंग, पर्सनल राइटिंग क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कि आप अपने मन से लिखते हो, ठीक है, आप अपने बिहाफ पे लिखते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिखते हो। डायरी, बहुत से लोग की आदत होती है डायरी लिखने की, तो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में, या अभी भी आजकल मूवीज़ में दिखाते हैं कि डायरी लिखती है हीरोइन, है ना, अपने जो भी इवेंट्स होते लिखते हैं, वो गजनी मूवी याद है, तो उसमें डायरी लिखी थी उसने, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल राइटिंग है। जर्नल्स लिखना, आप देखते होंगे नेट पे जर्नल्स होते हैं, या ब्लॉग आजकल लोग लिखते हैं कि जैसे मान लो कि कैसे किसी चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में पूरा ब्लॉग लिख सकते हो। आपको ईमेल भेजना है तो क्या आप किसी से पूछते हो या कोई कॉपी पेस्ट करते हो, नहीं, ये आप अपने लिए लिख रहे हो ना, अपने से ईमेल लिख रहे हो, जैसे मान लो कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन वाली ईमेल माना कि इसमें आ जाएगी आपकी, हाँ कह सकते हो इसमें आप ला सकते हो, क्योंकि यू आर राइटिंग इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया आपका, ठीक है, आपका यूट्यूब अगर है तो कहीं ना कहीं आपका खुद का कंटेंट है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल राइटिंग हो जाएगा। शॉपिंग लिस्ट बना रहे हो आज आप, जैसे कि आपने सोचा है थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुल लिया है, थोड़ा अपना सामान घर का लिया है, तो यहाँ पे ये शॉपिंग लिस्ट जो है ये आपकी पर्सनल राइटिंग है, आपका वो शॉपिंग लिस्ट से मेरा कोई काम नहीं है, ना जितने लोग आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं यूट्यूब में सेशन देखने, क्या इनका कोई काम है, नहीं, आपकी शॉपिंग लिस्ट आपके लिए ही है, इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स, तो पर्सनल राइटिंग हो जाएगा। आपका घर का एड्रेस, ठीक है, पर्सनल आपने किसी को इनविटेशन दिया कि भाई हम पार्टी करने जा रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो आपसे रिलेटेड हो जाएगा, नॉट मी, ठीक है, तो ये पर्सनल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद है पब्लिक राइटिंग। पब्लिक राइटिंग क्या होती है, तो गुड आफ्टरनून मैम, या हेलो राहुल जी कैसे हैं आप, ओके,
सो पब्लिक राइटिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो लेटर ऑफ इंक्वायरी, अब आप इंक्वायरी करना चाहते हो, मान लो कंप्लेन है आपके जो जहाँ पे जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे लाइट्स नहीं जलती हैं रात में, ठीक है, जितने भी लैंप हो गए, ठीक है, स्ट्रीट लैंप्स हो गए, वो सब खराब हैं, तो आप कंप्लेन करना चाहते हो, ठीक है, आपका जो पार्क है बहुत ज़्यादा वहाँ पे एनिमल्स आने लगे हैं, तो आप उसके लिए कोई चाहते हो कि भाई इसके लिए कुछ ना कुछ, या ऑफ कोर्स भाई चाहते हो ना कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो जाएं, तो ऐसे में यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। अब जैसे मान लो मोहल्ला है आपका, ठीक है, और वहाँ पे बहुत पानी बरस रहा है, तो पॉटहोल्स हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, गड्ढों में पानी भर गया, तो किसी को भी रात में चोट लग सकती है, तो इसके भी आप में आप कंप्लेन लिख सकते हो। तो ये आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो क्योंकि ये आपको दिक्कत हो रही है, भाई आपके साथ आपके एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, तो ये पब्लिक राइटिंग में आ जाएगा। आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि भाई यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मान लो आप चाहते हो कि आपके एरिया में इंटरनेट कनेक्शन लाया जाए, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे कि काफ़ी लोग इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे में फाइबर लाइन बिछानी चाहिए, लाइक दैट, तो ये पब्लिक राइटिंग हो गई। फॉर्म फिल कर रहे हो तो पब्लिक राइटिंग, एप्लीकेशन तो पब्लिक राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, इसमें आप क्रिएटिव होते हो, ये कुछ नयापन होता है, इसमें न्यू होता है, ठीक है, ये कुछ आप कह सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है। जैसे पोएम लिखना हर कोई थोड़ी ना लिखता है, ठीक है, स्टोरीज हो गई, हर स्टोरी आप देखते हो अलग अलग होती है, ड्रामा हो, न्यू होता है, ठीक है, क्रिएटिव होता है। सोशल राइटिंग हो जाएगी, जैसे पब्लिक को इनवाइट कर रहा, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि आप जो है आप में से कोई लोग भी, जैसे अभी पीएम फंड था वो, ठीक है, अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड है देने में, तो अगर उन्होंने कोई मैसेज लिखा है तो वो सोशल राइटिंग हो जाएगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देना फ्रेंड्स और फैमिलीज को या कॉन्ग्रेचुलेशन देना, सोशल राइटिंग हो जाएगा। स्टडी राइटिंग क्या होता है, जब आप नोट्स बनाते हो, जैसे मान लो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, आधे लोग नोट्स बना रहे होंगे, कुछ लोग नोट्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, समरीज जैसे हो गया, ठीक है, समरीज हो गया, जैसे स्टडी राइटिंग में साइनोप्सिस हो गया, रिव्यू देना हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, स्टडी राइटिंग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखना तो स्टडी राइटिंग, आप कहीं ना कहीं पढ़ते हुए ये सारी चीज़ों को लिख रहे हो, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा इंस्टीट्यूशन राइटिंग, 1 सेकेंड गाइस, आई गेस चल रहा है ना, ओके। इंस्टीट्यूशनल राइटिंग क्या हो जाएगा, जैसे किसी बात पे एजेंडा पे आपने लिखा, पोस्टर हो गया, पोस्टर्स आप लोग देखते हो कि लोग पोस्टर बना के चलते हैं, जैसे अभी कितनी रैली निकलती, तो रैली में लोग पोस्टर बना के चलते हैं कि हम ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक दैट, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल राइटिंग है। रिपोर्ट हो गया, रिव्यू हो गया किसी बात पे देना, सीवी लिखना अपना हो गया, इनफैक्ट सीवी मतलब समझते हैं ना, रिज्यूमे, जब आप जाते हो इंटरव्यू देने तो रिज्यूमे होना चाहिए, तो ये सब आपका इंस्टीट्यूशनल राइटिंग हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, द वेरी लास्ट टॉपिक, आज ये 1 आवर का सेशन था इसलिए मैंने सारे टाइप ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, सो डोंट वरी। नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। नोट टेकिंग क्या होता है, मतलब आप नोट्स ले रहे हो सुनते हुए लेक्चर को, ठीक है, जैसे मान लो अभी आप लोग में से कोई सुन रहा होता तो नोट्स बनाते, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम आपके सेशन को लेकर मैं नोट्स पढ़ाती हूँ सुनते सुनते, तो जो भी चीज़ मैं डिक्टेट कर रही हूँ आप वो लिख लेते हो कॉपी में, या ब्लैक बोर्ड में जो लिखा होता है आप उसको कॉपी कर लेते हो, तो इसको हम नोट टेकिंग कहते हैं। आप क्या करते हो, नोट्स बुक से ले सकते हो, कॉपी छोटा छोटा एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज रहते हो क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ तो आप छोटा छोटा लिखोगे ना, बड़ा बड़ा तो नहीं ना, कॉपी में एक ब्लैक पेन से लिख रहे हो फिर ब्लू पेन से लिख रहे हो, वो नोट टेकिंग नहीं होगा, ठीक है, आप जल्दी जल्दी लिखते हो, दैट्स व्हाई, सुनकर लिखते हो, सिंपल एज दैट। नोट मेकिंग में क्या आता है, आप ऑर्गेनाइज करते हो, आप सोचते हो कि यार इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, इसको मैं ब्लू पेन से लिखूँ ब्लैक पेन से लिखूँ, इसको रेड पेन से लिखना है कि येलो पेन से लिखना है, लाइक दैट, इसको टिक करना है, इंपॉर्टेंट है कितना है, तो आप जो है वेरियस रिसोर्सेज से ले सकते हो, भाई नेट से देख लिया, बुक से देख लिया, आपने अपने फ्रेंड्स के नोट से देख लिया, लाइक दैट, तो नोट मेकिंग है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर तरह से नोट्स बनाना, तो आप अपने सारे आइडियाज़ को एक साथ रखते हो। नोट टेकिंग में क्या होता है, आप अपने आइडियाज़ इतने साथ में नहीं रखते हो, आप क्या करते हो, बस सुनते सुनते जो जो लिख पा रहे हो इंपॉर्टेंट वर्ड्स टर्म्स की वर्ड्स, उसको आप नोट टेकिंग कहते हो। नोट मेकिंग में जो लिखा है उसको अपने शब्दों में छोटा छोटा लिखते हो जिससे कि आप रिवाइज कर सको। ये दोनों का डिफरेंस था, अगर समझ आया है तो वे ऑन स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेशन नाउ। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल्स टू द क्लास। अगर मुझे एज अ टीचर राइटिंग स्किल्स सिखाना है जो आपने अभी पढ़ा है, वो कैसे सिखाऊंगी, बाई ब्रेन स्टोरमिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में करे बच्चा सोच के,
आप बच्चों से कहोगे कि भाई साफ सुथरा लिखो, तीसरा डिक्टेशन के जरिए, या बच्चों से कहोगे कि आर्टिकल्स को क्या करो, एक बार देखो उसके बाद दोबारा से उनको देख कर लिख दो। प्लीज गाइस थोड़ा स्पीड में आंसर कर दो, काफी क्वेश्चन है इसलिए। अभी मैंने कीवर्ड लिखे थे, नो आंसर एज ऑफ नाउ। यस, एब्सोल्युटली राइट। बाई ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द कीवर्ड, और राइटिंग से रिलेटेड है ये कीवर्ड, तो बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग क्या इन्वॉल्व करेगा? प्रोसेस अप्रोच, ये आपका सीटेट का क्वेश्चन, का पेपर का क्वेश्चन है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2018-19 में से आया क्वेश्चन है। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व वॉट? आउटलाइन करना, रिवाइज करना, फिर लिखना, या फिर लिखना एकदम फाइनल ड्राफ्ट को, फिर रिवाइज करना, फिर डेवलप करना फाइनल ड्राफ्ट को, या फिर ब्रेनस्टॉर्म करना, सोचो क्या क्या लिखना है, ड्राफ्ट करना, फिर रिवाइज करना, फिर चेक करना सही लिखा है कि नहीं, एंड देन ड्राफ्ट करना फाइनल राइटिंग को, ठीक है? या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड द फाइनल राइटिंग। प्लीज आंसर करिए भाई। यस एब्सोल्युटली राइट। ब्रेनस्टॉर्म करना, सोचना, रिवाइज करना, प्रूफ रीडिंग करना, सब कुछ आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एक अच्छा, अगर मैं पैराग्राफ इंग्लिश में लिखती हूँ तो उसमें क्या चीज होनी चाहिए? करेक्ट पंचुएशन मार्क, मतलब जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, इस पे फोकस होना चाहिए। दूसरा आइडियाज, मैं किस तरह से सोच रही हूँ, कैसे मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस। तीसरा है अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूं, फ्लारी लैंग्वेज, या फिर लेजिबल एकदम साफ सुथरा। जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, पूजा जी ने आंसर कर दिया। व्हाट अबाउट अदर्स, थर्ड का आंसर क्या होगा? वेल यस, आंसर हो जाएगा आइडियाज, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस याद करो, मैंने कहा था एक अच्छी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग में कोहेरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए भाई नेक्स्ट वन, अब एज अ टीचर आप बच्चों को राइटिंग स्किल्स सिखाना चाहते हो तो किस प्रकार से सिखाओगे? थ्रू डिक्टेशन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, हो चुका है, इट्स ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्टूडेंट नीड्स टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ठीक है, फिर ड्राफ्ट करना, फिर एडिट करना, फिर अपने जो भी वर्ड्स काम लिखा है उसको रिवाइज करना। ये जो प्रोसेस है कौन से स्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है? लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, या फिर राइटिंग स्किल्स, यानी LSRW में कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है?
यस, राइटिंग स्किल्स हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। प्रिडिक्शन इज अ सब स्किल एसोसिएटेड विद, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी रखे हैं, प्रिडिक्शन ऐसी कला है, किससे रिलेटेड है? आप पढ़ते पढ़ते प्रिडिक्ट करते हो, मैंने आप लोग को सिखाया है प्रिडिक्शन किससे रिलेटेड है, ड्राफ्टिंग से, समराइजिंग से, नोट मेकिंग से या फिर रीडिंग से। ये मत सोचना कि सिर्फ स्पीकिंग राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन है, मैंने आपसे यहाँ पर मैं बेसिकली लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछ रही हूँ, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पे। यस, रीडिंग से रिलेटेड हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्पीकिंग स्किल्स मैं कैसे डेवलप कर सकती हूँ लर्नर्स में? रीडिंग, बाय रीडिंग देम चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टेक्स्ट, तो मैं बच्चों को कुछ रीड कराऊँ ऐसा डिफिकल्ट सा, कम्युनिकेशन कराऊँ बच्चों को रियल लाइफ में, लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स, मतलब कोई भी मॉडल हो गया, अप्रोच हो गया, उसको मैंने बच्चों को दिया और बच्चा उसको रीड कर रहा है, या फिर अवॉइड ऑल एलर्स वाइल स्पीकिंग। प्लीज टेल मी। वेल यस, मेघा जी, पूजा जी, बिल्कुल सही कहा भाई, यहाँ पे कम्युनिकेट कराना रियल लाइफ सिचुएशन है, अभी समझाया है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इनमें से बताओ भाई कौन सा प्राइमरी इंपॉर्टेंस है क्रिएटिव राइटिंग की, विच ऑफ दीज इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर क्रिएटिव राइटिंग। अगर मैं क्रिएटिव राइटिंग बच्चों को करा रही हूँ, उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स की, लेजिबल राइटिंग, प्रेजेंट करना आइडियाज को ओरिजिनल तरह से, या फिर कमांड करना ओवर ग्रामर एंड पंचुएशन। तो क्रिएटिव राइटिंग का एग्जाम्पल याद है आप लोग को? आप लोग को मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, वन सेकेंड ना, इस चीज को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, क्रिएटिव राइटिंग जैसे पोएम्स हो गई, स्टोरीज हो गई, ड्रामा हो गया, गाने हो गए, तो ये सब का एग्जाम्पल क्या था? क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगा। तो क्रिएटिव राइटिंग किससे रिलेटेड है? क्रिएटिव राइटिंग किससे रिलेटेड है? सही शब्दों को लिखना, स्पेलिंग सही होना चाहिए, राइटिंग साफ होना चाहिए, आपका जो आइडिया है एकदम ओरिजिनल तरह से होना चाहिए, या फिर आपका जो आपका कमांड है आपकी ग्रामर पे, आपकी पंचुएशन पे, उस पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओरिजिनल वे से होना चाहिए भाई, ओरिजिनल राइटिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओरिजिनल होना चाहिए भाई। कोई ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है क्या? किसी की कॉपी लिखता है? हाँ, ऑटोबायोग्राफी में आप क्या देखोगे कि स्पेलिंग सही लिखी है या फिर राइटिंग अच्छी लिखी है या फिर आइडियाज जो है आपने सही तरह से रिप्रेजेंट करे हैं। हम लोग जो गाने सुनते हैं, अलग अलग गाने होते हैं, है ना, सबका ओरिजिनल होता है। तो क्रिएटिव राइटिंग इज नथिंग बट द ओरिजिनल थिंग। नेक्स्ट वन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रूब्रिक फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप बच्चों को कैसे भाई असेस कर सकते हो फ्लुएंसी और कोहेरेंस में? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कैन इनिशिएट एंड लॉजिकली डेवलप, बच्चा यहाँ पे लॉजिकल तरीके से कोई भी कन्वर्जेशन को बिल्कुल लेता चला जा सकता है। दूसरा, हमेशा अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। तीसरा, डिमॉन्स्ट्रेट हेजिटेशन, बच्चा यहाँ पे हेजिटेट करेगा लाइक टू फाइंड वर्ड्स और सही तरह से यूज करना वर्ड्स को, या फिर एक्सप्रेस कर सकता है चीज़ों को फ्लेक्सिबल तरह से बहुत अलग अलग टॉपिक्स में। तो याद करो, कोहेरेंस में मैंने एक शब्द सिखाया था कि
कि कोई भी चीज़ पॉल्यूशन का था वो किससे रिलेटेड जा रहा था, याद करो, एक शब्द था और आंसर आ जाएगा तुरंत। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, मे आई नो द रीज़न वाई? अभी सब समझाया है लेकिन स्टिल वही है, आंसर नहीं आ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्विकली बताओ भाई, क्या हो जाएगा, टेल मी। कोहेरेंस वर्ड के लिए मैंने, याद करो, बताया था पॉल्यूशन का टॉपिक था, फिर मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप उसमें प्रॉब्लम बताओगे, फिर आप उसका कंक्लूजन दोगे, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, लॉजिकली थी। यहाँ पर लॉजिकल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग। अभी मैंने इसका पूरा समझा दिया है, पर्सनल राइटिंग कौन कौन सी हो जाएंगी, स्टडी राइटिंग कौन कौन सी है, क्रिएटिव राइटिंग कौन कौन सी है, एंड पब्लिक राइटिंग कौन कौन सा है। तो क्विकली आंसर दे दो एंड देन दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। यस मेघा जी, बिल्कुल सही बताया, डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, पर्सनल राइटिंग डायरी हो जाएगी, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया। फिर यहाँ पे जिनको नहीं समझ आया, तो पब्लिक राइटिंग, याद करो मैंने आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग क्या दिखाया था, ट्रैवल लॉग था, ठीक है। पब्लिक राइटिंग में क्या था, आप पब्लिक से रिलेटेड लिख लो, कंप्लेन हो गया, तो डी हो गया। जिनको नहीं समझ आया तो आप लोग ऐसे भी कर सकते, तो वेल इसका सिनॉप्सिस था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छे से, एवरीबडी। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं सेशन को, बाय बाय गाइस, टेक केयर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो लाइक कर देना सेशन को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर।